श्री केसी त्यागी, आई होप यू विल फॉलो द एडवाइस गिवन टू यू बाय योर नेबर. इन एनी केस नथिंग मोर देन 3 मिनट्स. उधर से लेकर के और नेता सदन तक जानते हैं कि मैं पैदाइशी विद्रोही आदमी हूँ और मैंने अल्लाह मियाँ के और भगवान के तो कुछ थोड़े बहुत हुक्म मानने भी होंगे, लेकिन हुकूमतों का नहीं माना. इसलिए सबसे पहले मैं आपको, उसके बाद डिप्टी चेयरमैन साहब को, सेक्रेटरी जनरल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कई अवसरों पर ना चाहते हुए भी और हस्तिनापुर से बंधे रहने के बावजूद भी आपने मेरी मदद की. लेकिन सर, अब हम आपकी मर्यादाओं से बाहर हैं. अब हम दफा 144 भी तोड़ेंगे बाहर जाकर. अभी हैं, अभी हैं, नहीं सकते. दफा 144 भी तोड़ेंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन स्पीच भी करेंगे जो आपने अलाउ नहीं करी. इट विल बी ए लॉन्ग ड्यूरेशन स्पीच. सर, असंसदीय भाषा का भी इस्तेमाल करेंगे जो आपने यहां नहीं करने थी और जो बाहर हम करते थे. सर, मैं आज कोई ऐसी गंभीर बात नहीं कहना चाहता जिसका आज कोई मंत्री भी जवाब देने के लिए नहीं है. 1977 में शरद यादव जी, हम, मोहन सिंह जी, हमारे मित्र डीपी त्रिपाठी एंड अब और नेता सदन जेल से छुट करके आए. हम में सबसे होशियार अरुण जेटली थे. इन्हें पता था कि पॉलिटिकल आदमी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं. इन्होंने जेल से आने के बाद वकालत की और हम सब लोग राजनीति में लग गए. अब हमें जेल जाने के 10,000 रुपये महीना मिलते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, और आज एक्स एमपी हो जाएंगे, 20,000 रुपये महीना मिलेंगे एक्स एमपी की पेंशन के. तो दोस्त के नाते हैं, कुछ तो कम से कम फर्ज निभाओ. इतना तो याराना अरुण जी, हम आपसे उम्मीद करते हैं. और ये कोई मैं तंज में नहीं कह रहा हूं, गुजरात में अगर बाबू भाई पटेल की सरकार ना हुई होती तो नरेंद्र भाई भी जेल में होते तो शायद हमारी तनख्वाह बढ़ गई होती. गुजरात में साथियों में जेल में जाने का मौका नहीं मिला था. मध्य प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार में विशेष तौर से हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने 10,000 रुपये हम लोगों को दिए थे. हमारी बेटी तुल बिटिया भी बता के गई है, कई परिवार भी बिगड़ गए थे, धंधे छूट गए थे, तकलीफें भी हुई थी. और जो इल्ज़ाम आजकल हमारे मित्र ये लगा रहे हैं हम पर, इन्होंने भी हमें एंटी नेशनल करार दिया था किसी ज़माने में, तो मैं उन चीज़ों का जिक्र नहीं करना चाहता. लेकिन सर, मेरे साथ एक और हादसा हुआ. मेरा कार्यकाल पूरा नहीं था, ये 3.25 साल का था. जैसे आजकल फटाफट क्रिकेट चल रही है तो उसमें मुझे रन भी बनाने थे और विकेट भी बचाना था. और इन दोनों के बीच में ही मैं लटका रहा. मेरी 3.25 साल के कार्यकाल में कई बहसों में मुझे हिस्सा लिया और मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ. 9 अगस्त 1974 को चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में मैं एक निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह से भर्ती हुआ. लेकिन अरुण जी, पॉलिटिकल एरोगेंस मेरे अंदर विचार की थी और मैं उसको पॉलिटिकल वर्कर मानने को तैयार नहीं हूँ जो अपने विचार के लिए संघर्ष ना करे, तकलीफ ना उठावे, जेल ना जाए, पिटाई ना करावे और बहस ना करे. वो पॉलिटिकल वर्कर नहीं, चाहे वो संघ का हो, चाहे CPM का हो, चाहे गांधी का सिपाही हो या लोहिया का सिपाही. मुझे निजी तौर पर आपकी विचारधारा से भी कोई मेरा वो नहीं है, क्योंकि उसके लिए आप भी जेल गए मेरे साथ. इसलिए ये बहस मुआयसे हमारे बीच में होते रहे. लेकिन सर, उसी दौरान मुझे और कौन कौन लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला. वाइस प्रेसिडेंट थे कौन, बलराज मधोक साहब, बीजू पटनायक साहब, पीलू मोदी साहब, ये हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, राज नारायण जी, कर्पूरी ठाकुर, इतनी कम उम्र में. अब आप समाप्त करें. मैं समाप्त सर, मैं तो एक शेर पढ़ दूं अगर आप कहें तो. जरूर. माना कि चमन को ना गुलजार कर सके हम, कुछ खार तो कम कर दिए गुजरे इधर से हम. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू त्यागी जी.